नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी 14 न्यूज में। और मैं हूँ आपके साथ कुमार अब्बास। देखिए श्रावस्ती से बड़ी खबर। मामला श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर क्षेत्र का है, जहां पर बरसों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पुरानी बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है। यहां की बिल्डिंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रांसफर हो चुकी थी। उसके बाद से यहां पर होम्योपैथिक का अस्पताल चल रहा था, लेकिन आज ये अस्पताल पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा है। कूड़े के ढेर में यह अस्पताल तब्दील हो चुका है। अस्पताल की दीवारों पर पेड़ लगे हुए हैं, वहीं जनरेटर रूम में कूड़ा भरा हुआ है, जनरेटर सड़ रहा है। दूसरी तस्वीर एम्बुलेंस की है। कोरोना काल में जिस एम्बुलेंस के लिए लोग तरस रहे थे, अपने मरीजों को ठेले और ठेलियों से अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। लेकिन मल्लीपुर के अस्पताल के सामने यह एम्बुलेंस कूड़े का ढेर हो गई, जिसका पुरसे हाल कोई नहीं है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र सोनकर कहते हैं कि अधिकारियों को इस बारे में बताया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पुरानी बिल्डिंग बनी है, वो कूड़े का ढेर हो चुकी है। आखिर क्या मामला है? जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लीपुर, पहले जो पुराना हॉस्पिटल बिल्डिंग है, पहले उसमें चलती थी, अब तीन नया बन गया एठा में, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पुरानी बिल्डिंग में होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, जो हफ्ते में 3 दिन बैठते हैं और संज्ञान में आया है। साफ सफाई जो नहीं है उसको करवा दे रहे हैं। और वहीं पर कुछ एम्बुलेंस सड़ रही हैं। अगर कोरोना काल में लोग एम्बुलेंस खिल्लत थी, तो यहाँ एम्बुलेंस सड़ रही है। वहाँ पे एम्बुलेंस जो खड़ी है, तो वहाँ पे उनको जो है डिस्ट्रिक्ट में उनको सूचित कर दिया गया है और उनका नए एम्बुलेंस की जरूरत है, वो भिजवाया है।